हमारी बहू तो बहुत सुंदर है गंगाधर, लेकिन ये क्या बहू, हमसे मिलने के लिए अकेली आई हो? झांसी का उत्तराधिकारी तुम्हारे गोद में नहीं है? क्यों नहीं है? वहां क्या देख रही हो? हीरा भाई हैं हम, मैं जो बोलूं मुंह पे बोलूं। झांसी का उत्तराधिकारी नहीं तो झांसी नहीं, हम दोनों की तरफ भागना पड़ेगा। इधर उधर की ठोकरें। सुरेंद्र, बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, विश्राम कीजिए। इनके रहने का और भोजन का प्रबंध किया जाए। हमारे भ्राता बड़े चतुर हैं, विश्राम के लिए भेज रहे हैं हमें। लेकिन जाने से पहले एक बात कह देना चाहती हूं, संबलपुर से झांसी इसीलिए आए थे ताकि चैन से यहां रह सके, लेकिन अब देखकर लगता है कि झांसी में भी चैन नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों को भागना पड़ा, वैसे यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। अब विश्राम करने चलती हूं। अब चल, जल्दी से भोजन कर ले, पता चला झांसी हड़प ली, भोजन भी नहीं नसीब होगा। This is ridiculous, sir. Major Ellis sirf mere kaam mein interfere hi nahi kar raha hai, balki wo un bloody Indians ki tarah worship karta hai. I've heard he's even touched the feet of the Queen. It's disgusting. Very good. Nice. What are you saying, sir? Yes, it is our different policy. But sir, uska un bloody Indians ke saath friendly behavior? हमें अपनी एम से डिविएट कर देगा। डू नॉट पैनिक नेल्सन, एलिस इज पोस्टिंग एज अ पॉलिटिकल एजेंट इन द झांसी इज पार्ट ऑफ आवर प्लान। एक तरफ डलहौजी ने एलिस को झांसी में गंगाधर राव से संबंध सुधारने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शांति दूत का मुखौटा लगाकर भेजा, तो दूसरी तरफ नेल्सन को पूरा यकीन दिला दिया एलिस के हर काम को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखे, और एलिस को संदेश भेजा कि वो शीघ्र जाकर गंगाधर से मिले और संबलपुर के ज्वलंत मुद्दे पर शांति बनाए रखने की कोशिश करें। Very good, sir. But you have to be very focused on your goal. Under no circumstances. डलहौजी का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना है। इसलिए एक साथ अपने दो अफसरों को दो अलग अलग नीतियों के जरिए कूटनीतिक चालें चल रहा था। एक तरफ एलिस को प्यार से गला काटने का रास्ता अपनाने के लिए जोर दे रहा था, तो दूसरी तरफ नेल्सन जैसे नृशंस अफसर के जरिए झांसी में अत्याचार फैलाने की खुली छूट दे रहा था, क्योंकि ये अंग्रेज जानते थे कि झांसी और अवध के बाद पूरा हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ जाएगा। You must come forward with a diabolical plan. झांसी का उत्तराधिकारी तुम्हारे गोद में नहीं है? यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। झांसी का उत्तराधिकारी नहीं तो झांसी नहीं। हमारी तय की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनका स्वभाव ही ऐसा है, परंतु हृदय गंगा की तरह निर्मल है।
यदि हम आपको कभी उत्तराधिकारी दे नहीं पाए तो? कैसी बातें कर रही हैं आप? गजानन की कृपा से अभी हम स्वस्थ हैं और अभी अभी तो हमारे वैवाहिक जीवन का आरंभ हुआ है। देखिए, झांसी के उत्तराधिकारी अवश्य मिलेगा। और वो केवल आप ही से मिलेगा। इन्हें से बहने मत दीजिए। बहुत अनमोल है ये। अब विश्वास कीजिए, गंगाधर आपके बिना अधूरा है। दो बार आपसे दूर रहकर ये आभास हो गया कि हमारा आपके बिना जीना कितना दुष्कर है। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे हम पति पत्नी मिलकर सामना करेंगे। दुनिया चाहे जो कहे, ये गंगाधर अपने लक्ष्मी के साथ था, है और सदैव रहेगा। बताइए, खाइए। इच्छा नहीं है। जब से हमारा राजपाट छीना है, मैं तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और भोजन कीजिए। महाराज संबलपुर के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी से अवश्य बातचीत करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हे भगवान, पता नहीं यहाँ लोग भोजन कैसे कर सकते हैं। कौर तो दूर की बात, तेरे गले से तो पानी ना उतरे। क्षमा करना, मैं जो भी बोलू मुंह पे बोलू। संबलपुर के बाद अब हमें झांसी की चिंता हो रही है। क्या होगा झांसी का बिना उत्तराधिकारी के? अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे बहू, तुम क्यों रुक गई? तुम भोजन करो ना। मैं तुमसे नहीं कह रही थी, मैं तो इससे कह रही थी। दत्तक पुत्र खाना खा रहा है, तुम खाओ। तुम्हें तो पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। झांसी का उत्तराधिकारी जो देने वाली हो तो खाओ खाओ खाओ। बुरा नहीं मानना, मैं जो भी बोलू मुंह पे बोलू। झांसी का उत्तराधिकारी तुम्हारे गोद में नहीं है। यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। संबलपुर के बाद अब हमें
झांसी की चिंता हो रही है। क्या होगा झांसी का बिना उत्तराधिकारी के? गंगाधर को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो? हम कोई भी दुख सह सकते हैं दाई माँ, परंतु हम एक प्रश्नों के उत्तर कहां से लाएं? कहां से? ठीक है भाई माँ, आप हमारा निरीक्षण इस प्रकार क्यों कर रही हैं? महारानी साहिबा, अब आपका कोनो चिंता की आवश्यकता नहीं। आप बेटे हैं। क्या 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 कहा आपने? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आप कहीं हमें बहला तो नहीं रही ना? ये बुढ़िया सांसों के चढ़ाव उतार से बता सकती है? हम ये शुभ समाचार अभी महाराज को जाके देकर आते हैं। नहीं नहीं मनु, अब कोई दौड़ना भागना नहीं, कोई मलखम नहीं, कोई घुड़सवारी नहीं। अब तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे अपना पूरा ख्याल रखना है। अब झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा, झांसी पर से सारी विपदाएं हट जाएंगी। महारानी साहिबा, हम जानते हैं दाई माँ आप यही कहेंगी कि मनु अपना ख्याल रखो। हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल दौड़े भागेंगे नहीं, आराम आराम से चलेंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे, पूरा ख्याल रखेंगे अपना। महाराज, क्या बात है लक्ष्मी? महाराज हम बताइए महारानी, क्या हुआ? आपने इन बाल गोपाल को जो पालने में रखा था, अब इनके लिए एक अच्छा सा मंदिर बनवा दीजिए, क्योंकि अब ये
अब ये पालने में नहीं रह सकते। क्यों? वो तो पालने में ही अच्छे लगते हैं। फिर उनके लिए दूसरी जगह क्यों ढूंढ रही हैं आप? यदि ये पालने में रहेंगे तो हमारी संतान कहाँ रहेगी? क्या लक्ष्मी? क्षमा कीजिए, हम भूल गए कि आप अब मां बनने वाली हैं। ये केवल हमारा उत्तराधिकारी नहीं है, झांसी के उज्जवल भविष्य का अंकुर है। हमारे पास शब्द नहीं है हमारी प्रसन्नता व्यक्त करने की। परंतु हमारी आपसे एक विनती है। विनती नहीं है, आदेश कीजिए। हमारे 3 महीने पूर्ण होने से पहले हम नहीं चाहते कि आप इस बात की घोषणा झांसी की प्रजा में कीजिए। हम अपने संतान को हर बुरी नजर से बचाना चाहते हैं महाराज। आ जाए क्या? आइए आइए आइए। तो हमें छोड़कर यहां चली आई आप? ताई, आपको भ्रम हुआ है। नहीं गंगाधर, ननद होने के नाते अगर मैंने कहा कि मेरे भाई और जासी को वारिस नहीं मिल रहा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। ताई, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी ही आत्या बनने वाली हैं। ये क्या कह रहे हो गंगाधर? ये बहू? अरे बहू तो पहले क्यों नहीं बताया? सैकड़ों बातें मुझसे बुलवा ली लेकिन ये बात नहीं कह सकी। सुरेंद्र मोहरे लाओ। नजर, सुरेंद्र तो है नहीं। नजर यहां खड़ी रहो। बधाई हो। अरे बस 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 बस, कूदो ना, कूदो पलो। तुम सुखी रहो गंगाधर, तुम्हारी गोद भरी रहे। और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे सुनती हो? अरे बधाई हो। अरे सुना तुमने? अरे बधाई हो। महारानी साहिबा,